हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ माइक्रो फाइबर क्लॉथ ग्लास क्लीनर, ऑयल पर्पस क्लीनर और सैनिटाइजर फॉग मशीन। फॉग बोले तो स्मोक मशीन, जिससे कि मतलब अंदर में मतलब जो भी मतलब बांस वगैरह या चीटी कीड़े मकोड़े अपना गाड़ी में घर बना लेते हैं, उनको गाड़ी से दूर करने के लिए, गाड़ी के अंदर जो भी बीमारी वायरस वगैरह फैल रहे हैं तो उसको गाड़ी से दूर करने के लिए उसका मशीन भी अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि जितनी भी मेरी मैंने यहाँ से एक्सपीरियंस लिया है वो सब आप सबके बीच में शेयर करूँ, ताकि अगर मुझे कोई जानकारी पता ना हो तो वो आप मुझे कॉमेंट में बताएं, ताकि मुझे और थोड़ी जानकारी मिले और मैं सही चीज़ को सही से यूज कर सकूँ। क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है वो सब मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें कभी कभी, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर आप गुस्सा करोगे हमारे ऊपर। चलो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा फॉग मशीन, ये मेरा फॉग मशीन है। अभी मैं सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी माइक्रो फाइबर क्लॉथ दो तरीके का निकालूंगा। मार्केट में लेने से पहले आपको दोनों चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सब में सब एक एक पीस ही बचा है, बात है कि सब एक और वीडियो मैंने डाला था, वो वीडियो देख करके बहुत सारे लोगों ने ख़रीद लिए हैं और मेरे पास एक एक पीस ही बचा है दोनों में से। ये रहा, एक ये है माइक्रो फाइबर क्लॉथ और एक ये है माइक्रो फाइबर क्लॉथ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आपके सामने दोनों खुल रखा है, खुला हुआ है। अब आप देखने से पता चल रहा होगा कि इसमें से सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कौन सा है। याद रहे फ्रेंड्स, हम लोग गाड़ी पर वही कपड़े यूज़ करेंगे, वही माइक्रोफाइबर यूज़ करेंगे जो एकदम सॉफ्ट हो, क्योंकि बहुत सारी गाड़ी पर सेरेमिक हुआ हुआ रहता है, पीपीएफ हुआ हुआ रहता है, कहीं कहीं तो एक्सटेंशन रोलर वैक्स हुआ रहता है या स्क्रेच आने का डर रहता है ना। इसके लिए हम लोग सॉफ्ट कपड़े का ही यूज़ करते हैं, सॉफ्ट माइक्रो क्लॉथ, सॉफ्ट माइक्रोफाइबर क्लॉथ, है ना फ्रेंड्स। हाँ, कांच ग्लास गाड़ी के ग्लास पे भी यही कपड़े यूज होते हैं। इसमें क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आप देखें गौर से, सॉफ्ट उतना सॉफ्ट नहीं है लेकिन है ये भी। ये क्या है, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ये कपड़े बहुत उतना सॉफ्ट नहीं है, कड़क है थोड़ा सा। ये सोखता भी नहीं है पानी जल्दी, है ना, पोंछने में और ज़्यादा मेहनत, डबल मेहनत कर देता है। तो ये कपड़े, ऐसे कपड़े लेने से बचें। हो सकता है कहीं पर आपको ये महंगा बता करके बोल दे कपड़े स्ट्रांग है ना, हो सकता है कहीं सस्ता मिल जाए, लेकिन मैं बुराई नहीं कर रहा, इससे मजबूत है, लेकिन गाड़ी के लिए ये अच्छा है। इसमें और भी कपड़े आते हैं, देख लेना आप। चलो तो फिर मैं इसको रख दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। इसको मैं रख दे रहा हूँ। ये है ओरिजिनल एकदम सॉफ्ट माइक्रो फाइबर क्लॉथ, देखने से आपको पता चल रहा होगा फ्रेंड्स, पता चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी में का हम लोग भी यही यूज करते हैं। ये देखिए सेम है बिल्कुल, कहीं से कोई अलग नहीं। चलिए फ्रेंड, तो ये न्यू वाले को अभी रख दे रहे हैं।
तो न्यू वाले को फ्रेंड मैंने रख दिया, ये पैक किया, अब इसको रख दिया। अभी कितने का आता है, कहाँ मिलता है, ये सब आप मुझे कमेंट में पूछें, मैं आपको बता दूंगा इसका सही रियल प्राइस क्या है और ये सबसे सस्ते में कहाँ मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ इससे। अभी ये दो चीज़ और बताना भूल गया, फ्रेंड्स ये मोबाइल देख रहे हैं, ये मोबाइल मेरे ऑनर ने, मतलब मेरे भैया ने, जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था तब मुझे उन्होंने गिफ्ट किए थे। हालांकि उस टाइम मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, तो उस टाइम उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किए थे। अभी बैटरी डाउन है, उसका फिर इस मोबाइल को मैं संभाल के रख रखा हूँ। अभी मैं आपके सामने यही मोबाइल को नया करके दिखाऊंगा, ठीक है, बिना फोम यूज़ किए हुए। ये रहा आपका ग्लास क्लीनर, भले सैनिटाइजर का डब्बा में लेकिन है ये ग्लास क्लीनर, ठीक। और ये है ऑल पर्पज़, ये भी सैनिटाइजर के डब्बा में हम लोग डाल रखा है वॉश करके, ये है ऑल पर्पज़ क्लीनर, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ऊपर ऑल पर्पज़ क्लीनर डालते हैं। डाल दिए फ्रेंड्स, ये माइक्रोफाइबर है, ये देखें शाइनिंग कर रही है। यो ग्लास क्लीनर ग्लास पे यूज़ करते हैं, बटन टन में भी यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वॉश करके दिखाऊंगा, पूरा चमका के दिखाऊंगा। ये देखे फ्रेंड्स चमकने लग गया। अब इसमें आपको सामने वाला जो पेड़ है वो पेड़ का ऊपर का भी दिख रहा है और आसमान भी दिख रहा है इस मोबाइल में, है ना फ्रेंड्स, चमकाने का सही तरीका है। इसलिए आप माइक्रोफाइबर का यूज़ करें, माइक्रोफाइबर क्लॉथ कितने की आती है, इसके रियल प्राइस कितना है, कहाँ मिलेगा आपको सही तरीके से सही कम प्राइस में, ये भी मैं आपको कॉमेंट में आप पूछें, हम आपको सही सही बताएँगे, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर पे मिलता है कि नहीं मिलता, हम सब कुछ बताएंगे आपको। ऑनलाइन ऑर्डर पे मंगवाना है तो कैसे मंगवाएंगे, जो ओरिजिनल सेम कपड़े आए तो उसके लिए हम आपको बताएंगे, कमेंट में आप पूछें, ठीक है। चलिए इसका काम अब हुआ ख़त्म, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ जल्दी शॉर्टकट करके मैं आपको सही ढंग जितनी मैं जानकारी अभी लेकर के आऊँ, अभी आपको बताने की आपको शेयर करने का बताया था मैंने, उतना मैं जल्द शेयर कर दूँ, ठीक है। यह है फॉग मशीन, ठीक है। इसमें से जैसे गाड़ी वगैरह में कुछ भी होता है या कोई बीमारी वगैरह, कुछ वायरस का डर हो, है ना, जैसे कोरोना वायरस आया था COVID-19, है ना, उसमें गाड़ी में जो होता है ये है फॉग मशीन। या गाड़ी में चीटी वगैरह घर बना ली हो या चीटी ज़्यादा निकल रहा हो तो उसको अच्छे से वॉश करके इंटीरियर डिटेल करके फिर इसको हम ये फॉग करके 5-10 मिनट के लिए पूरा कांच वाँच बंद करके गाड़ी को छोड़ देंगे। ये है इसका बटन। सबसे पहले वहाँ पर क्या करेंगे, अपन प्लग लगाते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, वहाँ प्लग लगा हुआ है, फिर यहाँ पे फॉग लगा हुआ है, फॉग मशीन, ठीक है। इसके पीछे में ये वाली लाइट जलती है, इसको ऑफ नहीं करना है, ठीक है, ये ऑन रहेगा। हाँ,
इसमें दो वायर है, इसको घुमा, देखो लिखा हुआ है फॉग 1200 वॉट। ठीक है, ये रहा इसका, आगे से निकलता है फॉग। तो ये वाली बटन है, ठीक है, अभी ये जल नहीं रही है, दबाएंगे तो जलेगा, मतलब कि बंद हो गया। एक मिनट, हाँ फिर देखो चल रहा है ना, मतलब कि ये अब हीट हो गया है। पहले इसको गर्म करना पड़ता है, ये वाला बटन है, उसको दबाएंगे। अब देखना दोस्त फ्रेंड्स, ये फॉग निकलेगा, हाँ फ्रेंड्स देखो, देख रहे हैं फ्रेंड्स,